सेवा निरंतरता का लाभ, क्या सारे नए शिक्षक को देना पड़ेगा सक्षमता परीक्षा, आखिरकार सारे शिक्षकों से क्या चाहती है सरकार, और ऐसे में ऑनलाइन मोड में लिए जाने वाले एप्लीकेशन जो ऐप है ई शिक्षा कोर्स ऐप, वो हुआ असफल। और ऐसे में अभी एक बहुत ही बड़ा खबर चल रहा है, बहुत ही बड़ा न्यूज चल रहा है, जो कि है स्कूल टाइमिंग में बदलाव को लेकर, जो कि बताया जा रहा है कि जो विद्यालय है 9 से 4:30 चलेगा, और इसके बाद से शिक्षक लोग इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में, इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करते के साथ ही शिक्षा विभाग से स्पष्ट किया गया कि ये जो मैंने टाइमिंग जो लाया है ये आरटीई के तहत लाया है, ये आरटीई जो एक्ट है इसके मुताबिक से लाया गया है, और ये बहुत पहले से आ रहा था, और जिस आरटीई का वो हवाला देते हुए ये चीजें रखे, इस आरटीई के तहत से बहुत सारी चीजें होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप काम लीजिएगा शिक्षक लोग से आरटीई के तहत, और उनको जो फायदा होता है, जो उनका हक होता है, वो दीजिएगा अपने फरमान के मुताबिक? क्या आरटीई एक्ट में वेतन बढ़ोतरी का बात नहीं है? क्या आरटीई एक्ट के तहत उनका 60 से 70 हजार वेतन नहीं मिलना चाहिए था? आप जिस आरटीई एक्ट का बात किए और आप चल रहे हैं 2009 के एजुकेशन सिस्टम से, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पता ही नहीं है कुछ, आप 2009 वाले सिस्टम से चल रहे हैं, अभी आप वहीं फंसे हुए हैं, आप समझ नहीं सकते कि आप अभी कितना पीछे हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर रहता तो इस आरटीई का जो हवाला देते हुए आपने चीजें जो रखा, इसमें छुट्टी का भी बात किया जाता है, क्या इस आरटीई एक्ट में गर्मी छुट्टी का मामला नहीं था? क्या गर्मी छुट्टी नहीं लिखा हुआ था? क्या आरटीई एक्ट में यह लिखा हुआ है कि आप होली के दिन भी उनको छुट्टी ना दें, उनका छुट्टी काट लें? लिखा हुआ है। अगर आप आरटीई एक्ट के थ्रू चलते हैं तो भाई सारे चीज को फॉलो करें, फिर सारे नियम को फॉलो करें, वेतन भी उनका 60-70 हजार रहना चाहिए, आरटी में बहुत सारी चीजें हैं, तो फॉलो करिए, फिर फॉलो तो करिएगा नहीं, आप फॉलो करवाइएगा, आप नया नया फरमान निकालिएगा, शिक्षक से काम लीजिएगा आरटी के तहत। और जहां तक बात होगा लाभ का, तो वो एक होता है क्रूर तरीके से लाभ दीजिएगा, लाभ नाम का तो चीज ही नहीं है। तो ये जो हवाला देते हैं आरटी का, ये हवाला देना बंद ही करे, और ये इतने देर तक शिक्षक क्या करेंगे विद्यालय में? और भी बहुत सारे स्टेट हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं है, आप अटेंडेंस ले रहे हैं, आपका एफी कामयाब नहीं है, विद्यालय में पहुंच जाते हैं, यहां से अटेंडेंस बनाते हैं और बताता है कि 2.5 किलोमीटर आप दूर हैं, आप ऐप निकाल रहे हैं, उस टाइम फरमान भी आया था कि एप्लीकेशन नहीं बनने पे, ये सॉरी जो अटेंडेंस नहीं बनने पे आपका पेमेंट कट जाएंगे, फिर बोलते हैं ट्रायल है, चल क्या रहा है ये? अगर आपका ऐप जो है असफल है तो उसको फिर आपने लाया क्यों, अपना बेइज्जती कराने के लिए? ये क्या चल रहा है, समझने वाला बात अजीब लगता है थोड़ा। इस तरह से स्पष्ट किए जा रहे हैं आरटी एक्ट का कि मैंने तो नियम के मुताबिक मैंने टाइम लाया है, मैंने नियम के मुताबिक सारा चीजें किया है, तो नियम के मुताबिक छुट्टी भी दीजिए, तो नियम के मुताबिक सारा काम तो करिए, वेतन तो बढ़ाइए, बस फरमान में नियम आपका लागू होता है और कहीं नहीं लागू होता है। और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं, क्या जो नए नए फरमान आते हैं ये सही है? इसके लिए आवाज उठाना होगा, आपको आना होगा, एक होकर आना होगा, एकता होकर आना होगा, कभी अटेंडेंस का, कभी ये, कभी सक्षमता परीक्षा पे, कुछ भी अलग अलग न्यूज आते रहते हैं, अभी सक्षमता परीक्षा पे आएंगे, सारे न्यूज शिक्षक पे भी आएंगे, बहुत सारी चीजें अभी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, मेरे सारे से रिक्वेस्ट है, इस चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, आवाज बनने का कोशिश करिए, एकजुट होकर एकता दिखाइए, इस वीडियो को सारे जगह शेयर करिएगा, आज के इस वीडियो में बहुत सारे पोल खोलेंगे। सरकार का मंशा क्या है, क्या चाहती है सरकार शिक्षक लोग से, आखिरकार क्यों इतना प्रताड़ना दिए जा रहे हैं शिक्षक लोग को? इसके पहले के पाठक थे, अब ऐसे सिद्धार्थ जी आ गए, ये तो के पाठक को अगर नॉर्मल लेवल दिया जाए तो उनको तो भाई, मतलब के पाठक को हाई लेवल दिया जाए तो उनसे भी हाई लेवल पे सिद्धार्थ चल रहे हैं, वो तो और बदला निकाल रहे हैं शिक्षक लोग से, लग रहा है कोई पुराना दुश्मनी है, अलग अलग फरमान निकाले जा रहे हैं, जो कि फरमान समझने लायक नहीं है, और स्पष्टीकरण देते हैं, प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं, लगता है भाई कितना सूझबूझ से निकाल रहे हैं, पहले जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए, एप्लीकेशन जो बनवाते हैं, ऐप बनवाते हैं, ये शिक्षा कोर्स ऐप जो बनवाए हैं अटेंडेंस वाला, ये तो सुधार करवा लेते हैं, कोई शिक्षक लोग पेड़ पर लटक रहा है, कोई बिल्डिंग पर लटक रहा है, कोई बाथरूम पर जाकर अटेंडेंस बनाने के लिए परेशान है, तो बस यही देखने के लिए आप शिक्षक लोग को विद्यालय क्यों भेजते हैं? बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए कि शिक्षक को पढ़ना है, शिक्षक लोग कब पढ़ेंगे?
अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था उसमें सुनवाई हुआ, सारे न्यूज मीडिया में पूरा चल रहे हैं कि जो सक्षमता परीक्षा सुप्रीम कोर्ट बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट पहले पढ़िए, पहले जजमेंट तो पढ़िए, कुछ भी बयान आकर दिया जाता है, कुछ भी बयान आ जाता है सोशल मीडिया पे, बताया जा रहा है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनको नौकरी करने का हक नहीं है, नौकरी नहीं करेंगे, यानी कि वो साइड हो जाएंगे, बर्खास्त कर दिए जाएंगे, अलग अलग तरह से सोशल मीडिया पर आकर बातें रखे जा रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। मैं ये भी स्पष्ट करूंगा, क्या सारे शिक्षक को, सारे नियोजित शिक्षक को देना पड़ेगा सक्षमता परीक्षा? क्या जरूरी है सक्षमता परीक्षा देना? और ये राजकर्मी का दर्जा आप देख ही रहे हैं, जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, ये राजकर्मी का उनको दर्जा मिला है, ये क्या दर्जा है आप भी जानते हैं कि इनको किस तरह से प्रताड़ित किए जाते हैं। आजकल बच्चे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों लोग को नहीं पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक लोग को पढ़ाया जा रहा है ज्यादा, मतलब सारा झूठ निकल जा रहा है। अब शिक्षक लोग एक घंटा अटेंडेंस ही बनाते रह जाएंगे, कभी पेड़ पर चढ़कर, कभी छत पर चढ़कर, अलग अलग तरीके से चीजें की जा रही है। क्या बायोमेट्रिक गलत था? क्या ये सब चीजें नहीं हो सकते थे? आप अच्छे से, अच्छे इंजीनियर से, अच्छा डेवलपर से आप ऐप बनवाते, इसके बाद लॉन्च करते, इतना जल्दीबाजी क्या था भाई, इतना हड़बड़ी क्या था? नया नया फरमान, ये तो के पाठक को ही पीछे छोड़ रहे हैं। अब कुछ बोलूंगा तो फिर एक्शन लिया जाएगा कि तो भाई ऐसे बोल रहा है। और मेरे जितने साथी हैं सक्षमता परीक्षा वाले, अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो उससे बहुत सारे बात आए, ये कोई बात नहीं बताया, जो मेन बात है वो कोई नहीं बताया, पर टारगेट नियोजित शिक्षक को किया गया कि जितने भी नियोजित शिक्षक है सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, उनको नौकरी करने का कोई जरूरत नहीं है, वो साइड हो जाए, ऐसा